सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सॉफ्ट सिल्क जो बनारसी साड़ी है उसकी ट्रिकिंग। इस तरीके की साड़ी हम अक्सर लेडीज़ किसी ऑफिस वगैरह के लिए वेयर करना चाहती है या फिर किसी शादी फंक्शन के लिए भी हम इसको इजीली वेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो साड़ी है तो थोड़ा सा इसका फैब्रिक जो है तो स्लिपरी है, तो इसको हमें चारों तरफ से जब भी हम टकिंग करेंगे तो अच्छी तरीके से टक ज़रूर कर लेना है फर्स्ट राउंड लेते वक्त। नहीं तो बेसिक राउंड लेते वक्त अगर हमने इसको अच्छी तरीके से टक नहीं किया तो निकलने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। हील्स वगैरह वेयर कर लिए हैं और साड़ी की जो लेंथ है वो भी आप देख सकते हैं, अच्छी तरीके से हमने फ्लोर को टच करते हुए ही रखी है। यहाँ पर पल्लू की जो प्लीट्स है उसको अब हम अरेंज कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने पल्लू के पूरे प्लीट्स अरेंज कर लिए हैं। पीछे वाली जो बॉर्डर है गले की तरफ जाने वाली, तो उसकी डायरेक्शन हम सामने की तरफ रखेंगे। यहाँ पर देखिएगा, प्लीट्स हमने अरेंज किया है तो यहाँ पर फैब्रिक थोड़ा सा फ्लफी है, तो इसको भी हम अच्छी तरीके से अभी यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से सेट कर लेंगे ताकि इसके फ्लफीनेस कम हो जाए और एक अच्छे सा पल्लू का पोर्शन हमारा जो है तो बन जाए। यहाँ पर एक इजी ट्रिक ये होगी कि आप इस तरीके से पल्लू की प्लेट जो है तो अरेंज कर सकते हैं, दोनों हाथ हमारे खुले हो जाते हैं अगर हम इस तरीके से इसको बनाते हैं। तो देखिएगा पल्लू का पोर्शन इजीली इससे हमारा बन जाता है। आप यहाँ पर अगर पिन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते तो ऑप्शनल भी है। अच्छे खासे पल्लू का पोर्शन अब हम यहाँ पर लंबाई में साइज़ में थोड़ा सा बना लेंगे ताकि हमारा पल्लू अच्छी तरीके से यहाँ पर सेट हो जाए। और इसकी जो बॉर्डर दी हुई है थोड़ी सी गोल्डन कलर की है जो कि बहुत खूबसूरत है। बीच में बेबी पिंक कलर है वो भी बहुत खूबसूरत सा ये कलर है यहाँ पर है साड़ी। इस तरीके से पल्लू का पोर्शन हमने बना लिया है। अगर बहुत ज़्यादा फ्लफी पल्लू है तो आप कुछ इस तरीके से इसको बना सकते हैं ताकि हमारा पल्लू का जो पोर्शन है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए, इसके फ्लफनेस पूरी तरीके से इससे गायब हो जाएगी, बिल्कुल एकदम प्लेन तरीके से आपका जो पल्लू है वो यहाँ पर बन जाता है। सो इस तरीके से पल्लू का पोर्शन हमने बना लिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको हमें अच्छी तरीके से घुटने तक ज़रूर रखना है। यहाँ पर भी हम पिन लगा लेंगे अच्छी तरीके से इसको, ताकि पिन कई बार हम लगाते हैं तो ऊपर शोल्डर की तरफ लगाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा नीचे की तरफ जरूर लगा लीजिएगा ताकि आपका जो पल्लू है ये एक तरफ भागने नहीं लगेगा, अच्छे से सेट भी लगेगा। और सामने की तरफ से यहाँ पर हम पीछे की तरफ ये बॉर्डर लेंगे और यहाँ पर देखिएगा हमारे जो प्लीट्स हैं वो वन बाय वन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पीछे से भी इसको ज़रूर अच्छे तरीके से लेकर आना है ताकि हमें कंफर्टेबल लगे। कई बार ऐसा होता है कि पीछे से हमारे पोर्शन दिखाई देने लगता है या एक तरफ से दिखाई देने लगता है, तो ऐसा ना हो तो यहाँ पर भी देखिएगा इस तरीके से यहाँ पर बॉर्डर को लेकर आएंगे और एक पिन हमें यहाँ पर राइट साइड की तरफ थोड़ी सी लगा लेनी है। अभी हम बनाएंगे हमारे सेंटर प्लेट्स। तो ये वाला जो फैब्रिक है अभी देखिएगा इस तरीके से हमें खींचना है, लेकिन ये बाद में खींचेंगे। तो सबसे पहले हमें हमारे जो मिडल प्लेट्स हैं तो इसको हमें अरेंज कर लेने हैं। तो एकदम छोटे प्लीट्स नहीं बनाएंगे, फर्स्ट वाली प्लेट बड़ी बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग थोड़े थोड़े छोटी साइज के बीच के प्लेट्स हम बनाते जाएंगे ताकि फर्स्ट प्लेट से बाकी के प्लेट्स भी हमारे कवर हो जाए। और फर्स्ट प्लेट अगर हम छोटी बनाते हैं तो और राइट साइड की तरफ ये भागने लगती है, तो ऐसा ना हो। सो देखिएगा इस तरीके से बड़ी साइज़ में हमने प्लेट अरेंज कर ली है और यहाँ पर इसको पिन लगा लेंगे ताकि ये निकले नहीं। अब अंदर की तरफ इतना फैब्रिक हमने छोड़ दिया है, देखिएगा अभी सारी प्लीट्स को अच्छे से अरेंज कर लेना है और टक इन कर लेना है। टक इन करते वक्त भी अच्छी तरीके से प्रॉपरली हमें टक कर लेना है। अब ये वाला फैब्रिक यहाँ से निकालेंगे राइट साइड की तरफ से, इस तरीके से होल बनाएंगे और अंदर की जो फैब्रिक है उसको खींचेंगे। तो खींचने के बाद आप देखिएगा आपकी जो ड्रेप है पीछे की तरफ से अच्छी तरीके से फिटिंग के साथ में यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने के बाद आपका जो फैब्रिक है यहाँ पर अच्छे से सेट होगा और इसको टक इन कर लेना है। बाकी का जो फैब्रिक है उसको भी टक कर लेंगे। यहाँ पर एक पिन लगा लेंगे और हमारी जो ड्रेप है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। सो देखिएगा कितनी खूबसूरत तरीके से हमारे प्लेट्स वगैरह अरेंज हो चुके हैं। वेस्ट का पोर्शन भी बहुत खूबसूरत तरीके से आया है और बॉर्डर वगैरह भी बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।